नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर पारुल अग्रवाल, तामस आयुर्वेदा कोटेकल से। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय में वायरल फीवर, सर्दी खांसी, जुकाम सब तरफ बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। ऐसे में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि पेशेंट को भूख हो ना हो, या जिसे भी फीवर है या सर्दी खांसी बुखार है उसे भूख हो ना हो, उसके बाद भी हम उसे ज़बरदस्ती खिलाते रहते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ज्वर में आचार्यों का एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है, ज्वर आदौ लंघने, यानी कि जब भी फीवर की शुरुआत होती है, बुखार की शुरुआत होती है, तो हमें लंघन करना चाहिए। लंघन का मतलब है कि हम जितने लघु से लघु आहार लें, जैसे कि मूंग के दाल का सूप लेना, या मूंग की दाल की बहुत कम मात्रा में बहुत ही पतली खिचड़ी खाना, या फिर भूख बिल्कुल भी ना हो तो बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि खाना पचाने के लिए हमें अग्नि की आवश्यकता होती है। और इस समय हमारी जो जठराग्नि है वो जठर में न रह करके संपूर्ण शरीर में फैल जाती है, जिससे शरीर का ताप बढ़ जाता है और हमारी पाचन क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। इसकी वजह से हम कुछ भी पचा नहीं पाते। ऐसे में यदि हम भूख से भी ज़्यादा या बहुत ज़्यादा या कोई गरिष्ठ आहार लेते हैं तो वो पचता नहीं है, बल्कि वो हमारे बुखार को और बढ़ाता है। तो यदि शुरुआत के 3 दिन आप कुछ भी ना खाएं या बहुत हल्का, बहुत कम मात्रा में खाएं, साथ में सोंठ का पानी पिए, तो ऐसे में आपको कुछ भी दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोंठ के पानी से ही पसीना आकर के आपका बुखार भी उतर जाएगा, आपके शरीर के अंदर के आम का पाचन भी हो जाएगा और आपको दोबारा बुखार नहीं होगा। सुंठी का जल लेने और लंघन करने के बाद भी अगर आपका बुखार 101 से ज़्यादा है तो किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श करके कुछ औषधियों का सेवन भी करना पड़ेगा, लेकिन आपका बुखार जल्द ही छूट जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए यह आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद ही होगा। तो याद रखिए, ज्वर में कम खाइए या हो सके तो नहीं खाइए, खासकर की शुरुआत के 3 दिनों में। और चिकित्सीय परामर्श के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।